नमस्कार, आप देख रहे हैं द बज स्टोरी। मैं हूं मेघा। तो चलिए एक नजर डालते हैं राज्य और देश के मार्केट और बिजनेस की खबरों पर। लोगों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जल्द ही वाहनों में लगने वाला फास्टैग टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट के अलावा दूसरे कई सर्विस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उपभोक्ता जल्द ही फास्टैग का उपयोग करके पेट्रोल डीजल खरीदने और पार्किंग शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होंगे। फास्टैग के जरिए से टोल प्लाजा पर पेट्रोल डीजल के अलावा आप CNG भी भरवा सकते हैं। सेवानिवृत्त कोष निकाय EPFO ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5% की दर से ब्याज देने का फैसला किया है। EPFO के साथ 5 करोड़ से अधिक सक्रिय अंशधारक जुड़े हैं। सूत्रों ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यायशी बोर्ड ने 4 मार्च को श्रीनगर में हुई बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर को 8.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला लिया है। व्हाट्सएप कंपनी आए दिन कोई न कोई नया फीचर उपलब्ध कराती ही रहती है। इसी क्रम में कंपनी ने व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप के लिए एक नया व्हाट्सएप वेब कॉलिंग फीचर पेश किया है, जिसका इंतजार यूजर्स को पिछले काफी समय से था। यह फीचर दिसंबर 2020 में भी रोल आउट हुआ था, लेकिन उस समय फीचर्स को तब केवल लिमिटेड बीटा वर्जन यूजर्स के लिए ही पेश किया गया था। अब व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप वर्जन को अन्य बीटा यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर दिया गया है। कोरोना महामारी ने लोगों के मन में एक डर सा पैदा कर दिया है। आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत और चिंतित रहने लगे हैं। लोग अब एक बार फिर आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं। ऐसे में शर्मा हेल्थ सेंटर आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ आयुर्वेद पद्धतियों से सुचारू रूप से इलाज किया जाता है। शर्मा हेल्थ सेंटर में विशेष तौर पर पाचन संबंधित, पीठ की शिकायत, मधुमेह, जोरों का दर्द, सभी प्रकार की एलर्जी की समस्याओं, थायराइड, त्वचा एवं असाध्य रोगों का इलाज चिकित्सक के परामर्श में समय समय से किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ भी मिल जाएगी। लाइफ को हेल्दी रखने के लिए हाइजीन बेहद जरूरी है। अगर आप अपने हाइजीन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो विकास सैनिटरी स्टोर से आप अपने सैनिटेशन के लिए सारे सामान अपने बजट में पा सकते हैं। विकास सैनिटरी स्टोर में आपको सभी प्रोडक्ट सही दामों पर उपलब्ध मिल जाएंगे। यहाँ बड़े बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन के चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान कम हुआ है। इस वजह से गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। गुरुवार को सोने की कीमत 2017 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।